लोकसभा क्षेत्र के जेजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार चुनाव प्रचार के लिए उचाना कला हलके में पहुंची श्रीमती नैना चौटाला का जोरदार अभिनंदन किया गया। महिलाओं ने नैना चौटाला को देखने और सुनने के लिए खासा क्रेज दिखा। उचाना कला के बाद सबसे पहले नैना चौटाला गांव डूमरखां खुर्द में नुक्कड़ सभा करने के लिए पहुंची तो गाँव के चौक में उनसे मिलने के लिए महिलाओं को तांता लग गए। बुजुर्ग महिलाओं ने नैना चौटाला को आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा के साथ मंगल गीत गाए। इस दौरान ग्रामीणों ने नैना चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद के नारे से माहौल को गुंजयमान कर दिया। आज नैना चौटाला ने उचाना कला, सुदकेन कला, सुदकेन खुर्द, काबरछा, तारखां सहित अन्य गाँव में भी 25 मई को चाबी के निशान पर वोट डालकर उन्हें विजय बनाने की अपील की। जननायक जनता पार्टी की हिसार से उम्मीदवार श्रीमती नैना चौटाला ने कहा कि जनता अब भाजपा की नीतियों से उकता चुकी है और चूहे और बदलाव का अंदर करंट है। कांग्रेस आपस में लड़ाई के कारण जनता को कमजोर नजर आती है, इसलिए हरियाणा में जननायक जनता पार्टी विकल्प के रूप में प्रदेश की जनता की पहली पसंद है। नैना चौटाला ने कहा कि वे उचाना हल्के के लोगों को तो पहले ही एहसानमंद हैं। उन्होंने हल्के के लाडले दुष्यंत को माँ की तरह लाड़ प्यार दे रखा है। दुष्यंत भी उचाना में विकास कार्यों की झंडी लहराकर आपकी पहनाई पगड़ी का मान हमेशा ऊंचा रखते हैं। जेजेपी प्रत्याशी ने कहा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता 2014 के दुष्यंत के सांसदीय कार्यकाल को याद कर रहे हैं। दुष्यंत ने सांसद रहते न केवल हिसार लोकसभा की जनता बल्कि प्रदेश के किसान, कमेरे व मजदूरों के हकों के लिए दहाड़ सुनाई देती थी। जननायक देवीलाल की नीतियां पर चलते हुए किसानों की आवाज उठाने के लिए दुष्यंत जहां संसद में ट्रैक्टर तक ले जाने नहीं चूका था, वहीं स्टेडियम, ई लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, पानी के टैंकर सहित अन्य जन सुविधाओं को गांव-गांव पहुंचाकर भी उन्हें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। दुष्यंत के कार्यकाल से 10 साल पहले और उसके बाद के 5 तक अब हिसार की जनता संसद में इलाके की आवाज़ सुनने के लिए तरस गई है, इसलिए अब आवाज़ दोबारा दिल्ली की सांसद तक पहुंचाने के लिए लोगों ने जेजेपी प्रत्याशियों को वोट करें। जेजेपी कैंडिडेट नैना चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने नारी सशक्तिकरण की अपनी नीतियों को यथार्थ रूप देते हुए हिसार संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले महिला प्रत्याशी घोषित करके एक इतिहास रचने की नींव रखी है। हिसार की बेटी होने के नाते मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि मेरे परिवार के समान हिसार के मतदाता मुझे दिल्ली की संसद में पहुंचाकर नारी शक्ति के सम्मान में उठाए जेजेपी के कदम में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान नैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं अपील की है वे चुनाव अभियान में तेजी लाकर हर घर में कम से कम 2 से 3 बार वोट मांगने के लिए जरूर पहुंचें और चाबी के निशान को हर मतदाता को रचवाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत के सांसद और उप मुख्यमंत्री काल में हुए कार्यों को अपना हिसार लोकसभा के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचा दिए तो जेजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत सुनिश्चित है।